कैसे हैं डॉक्टर मनोज जी? बेटर, रिपोर्ट्स अच्छी आई है और आज फाइनली डिस्चार्ज करेंगे। गुड गुड गुड। वैसे एक गुड न्यूज तुम्हारे लिए भी है, ठीक है? आजार हॉस्पिटल मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के स्पेशल डॉक्टर्स के पैनल में शामिल होना ज्यादातर डॉक्टर्स का ड्रीम जॉब होता है। इस जॉब के लिए तुम्हें चूज किया गया है। आई नो डॉक्टर मौली, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है तुम कर लोगी ना, बिकॉज दिस जॉब नीड्स 200% कमिटमेंट। बिल्कुल सर। जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगा था मैंने अपना अस्तित्व खो दिया है, पर ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है सर। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर। डॉक्टर मौली, पर एक बार अच्छी तरह से सोच लो साइन करने से पहले। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम कहीं और काम नहीं कर सकती और ना ही पीछे हट सकती हो। देयर इज नो लुकिंग बैक। और अगर किसी वजह से तुम्हारा मन बदला या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देयर विल बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हारे मेडिकल प्रैक्टिस पे भी बैन लग सकता है। 4 दिन है जॉब ज्वाइन करने में। अगर तुम इस जॉब के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो तभी साइन करना। सोच लो। सोच लिया सर, ड्रीम पूरा होने जा रहा है, पीछे नहीं हटूंगी। वेलकम टू अजार्स, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पापा, आपने इतने ऑपरेशंस किए, कभी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया के असर में स्माइल करते हुए देखा है? मैंने देखा है। किसे? आपको। फिर इससे आपके ऊपर ये गिरी और आपने अपनी आंखें खोल दी। मैं जानता हूं कि ये मुझ पर कहां से आकर गिरी। कहां से? मेरे बचपन से, मेरे मेहंदी वाले घर से। मेहंदी वाला घर? उज्जैन में हमारे घर की गली से जो कोई भी गुजरता उसका सर हमारे घर के अंदर स्थापित राम दरबार के आगे अपने आप झुक जाता। घर क्या, मंदिर ही था वो, जहां हम 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रहते थे। सबसे बड़े अजय दत्ता हनुमान भक्त, एक हाथ से पर्वत उठा लेते थे। पर बाबू कितने कि नलके में पानी बाद में आता, उनकी रुलाई पहले छूट जाती। मरी जा, तू चली जाएगी। दूसरे नंबर पे विजय, मेरा भाई कम दोस्त ज्यादा। लाश वाला पेड़ा तो मन्नु लपेटेगा। ले मन्नु, खा ले। क्यों? सबसे छोटा तो मैं हूं ना। चल चल, तुझसे पहले मन्नु नहीं आता तो तू कैसे आता? जितने प्यारे मेरे अच्छू दादा और विच्छू, उतनी प्यारी मेरी भाभियां स्वरा भाभी और तन्वी भाभी। और इस सबके बीच हमारी एक लौती बहन मनीषा, जादूगर की जान तोते में और हम सब की जान मनीषा में। ओ भाई साहब, मेकअप करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शादी के नाम से ही चेहरा लाल हो रखा है इसका। ये आड़ी तेरी शक्ल मत बना, अभी तक शादी हुई नहीं है तेरी, पता चला यहीं के यहीं रह जाए। उसकी शादी पे कितने खुश थे हम, जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी खुशियां। हमारे इस बड़े से परिवार के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे? मेरे बड़े पापा। जेब में 10 रुपए लेकर आए थे वो, खाओ से उज्जैन। उन्होंने हिम्मत की
मेहनत की और बड़ी सी शॉप खरीद ली, अग्रवाल साड़ी एम्पोरियम। सबको बहुत प्यार करते थे और उनका सबसे पसंदीदा बेटा मैं था। पता नहीं आज कैसे होंगे। हमारा मन्नू, नन्ने एक बार तू भी झपक के देख ले। मेरे पापा को नन्ने कह के बुलाते हैं। पापा ने बड़े पापा की कोई भी बात कभी नहीं टाली ना। ये बात आपके नहीं मानेंगे भैया, नहीं देखने हमें फोटो वोटो। अरे तो मनोज की फोटो मत देख, ठीक? उसके बेटे की शादी हो रही हो है, उसे देख के तो खुश हो सकते है ना भैया। जब अपने सगों की फोटो फोन में ही देखने को मिले तो खुशी नहीं होती, दिल दुखता है। नन्ने क्यों पुराने दुखों को दिल से लगाकर बैठा है? हमारा दिल आप जितना बड़ा नहीं है भैया कि उस धोखेबाज का किया भुला पाए। काट के उल्लू ने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद जिस जानकी माँ का पल्लू पकड़ के घूमता था उसकी ममता का मान ही रख लेता। जानकी माँ, मेरी बड़ी मम्मी, उनकी डांट से बढ़कर कोई दवा नहीं। हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है वो, जिनके दम पर पूरा घर चलता है। चाय का ठंडा शरबत बन गया है, पी लीजिए। तीसरी बार अगर गरम करने को कही ना तो गरम करके उसी फोन के डब्बे पे उंडेल दूंगी। पापा ये लेटर। पढ़, क्या लिखा है? आपको तो चिंता हो रही होगी कि आपके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया होगा, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कुछ संभल गया, धरती चांद सूरज सब वैसे ही घूम रहे हैं जैसे आपके धोखा देने से पहले घूम रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे पढ़ मौली। मिन्नी की शादी है और धूमधाम से हो रही है। खुशी के अवसर पर सोचा आपको ये पत्रिका भेजूं। इसे न्योता मत समझिएगा, ये आपकी जिद और घमंड की हार का प्रमाण पत्र है, आपका पराया अक्षर। जी कुछ ढूंढ रहे हैं आप? वो मिनी की शादी की मनोहर पत्रिका जो बॉम्बे भेजी थी कुरियर से, उसकी रसीद कहीं गिर गई है। अरे मिली नहीं रही। हे भगवान, अगर जानकी माँ के हाथ लग गई तो? लग गई। क्योंकि जानकी की नजर से कुछ नहीं बचता। अक्कू, जानकी माँ, पापा, सबकी कड़वाहट का रीजन है मेरी गलती। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो तू भुगत रही है। नहीं पापा, प्लीज आप खुद को। नहीं मौली, जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधारूंगा तो तेरी जिंदगी कैसे संवार पाऊंगा। मुझे अपने मेहंदी वाले घर जाना होगा, जानकी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगनी होगी। मेरी अकेले जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। तू चलेगी ना मेरे साथ? मौली के लिए ये फैसला आसान नहीं है। ये नौकरी मौली के लिए सिर्फ अपनी लड़खड़ाती जिंदगी को संभाल पाने का मौका नहीं, उसका सपना है। पर दूसरी तरफ उज्जैन में अपने मेहंदी वाले घर जाकर परिवार से माफी मांगकर प्रायश्चित करना मनोज की जिंदगी का मकसद है।
पिता समान मनोज की जिंदगी का मकसद और अपने सपने में से अब किसे पूरा करेगी मौली? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.